अनुमान के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाश गंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में अरबों तारे हैं, और एक आकाश गंगा में न जाने कितने सारे पृथ्वी जैसे ग्रह होंगे। इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड में उन्नत जीवन के अस्तित्व की संभावना बहुत अधिक है। यदि ब्रह्मांड उन्नत सभ्यताओं से भरा है तो हमने अभी तक किसी दूसरे सभ्यता का सामना क्यों नहीं किया, जबकि ऐसे कई सिद्धांत हैं जो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, जिसे फर्मी पैराडॉक्स भी कहा जाता है। और इसमें सबसे लोकप्रिय द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस है, और यह सुनने में थोड़ा काल्पनिक लग सकता है, मगर इस थ्योरी में बताया गया है कि ब्रह्मांड में एक अवरोध या फिल्टर मौजूद है जो पूरे ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन के प्रसार को रोकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये फिल्टर जीवन को एक सीमा तक उन्नति करने का मौका देता है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि जीवन इस पूरे ब्रह्मांड में अत्यंत दुर्लभ है। दूसरी व्याख्या यह है कि ब्रह्मांड में हर जगह उन्नत सभ्यताएं मौजूद हैं, लेकिन कुछ उन्नत सभ्यता आत्म विनाशकारी व्यवहार या किसी विनाशकारी घटना के कारण एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने पर यह नष्ट हो जाती है। और अंतिम संभावित समाधान यह निकल के आता है कि ब्रह्मांड में कुछ अत्यधिक उन्नत बाहरी सभ्यता हो सकती है, जो उनके निचली सभ्यताओं पर निगरानी रखते हैं और खतरा बनने से पहले उन्हें नष्ट कर देते हैं। फिलहाल ये सारी थ्योरीज है हमारे लिए, क्योंकि हम सभी पूरे ब्रह्मांड में एक छोटे से नील बिंदु में रहते हैं, जिसे हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। क्या पता ब्रह्मांड के किसी कोने में यह सारी चीजें चल रहा हो।